वेलकम टू एवरग्रीन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विक्रम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस चार्ज्ड ऑफ और नाउन। यदि जब भी आपके सेंटेंस में क्या हो, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद चार्ज्ड ऑफ और उसके तुरंत बाद यदि एक नाउन गिवन हो, तब इस प्रकार के वाक्यों का जो हिंदी अर्थ होता है वो निकलता है का आरोप लगा की भाषा। यानी जब भी अगर सेंटेंस में अगर आपका गिवन हो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके तुरंत बाद चार्ज्ड, इसको बोलते हैं चार्ज्ड, charged, चार्ज्ड ऑफ प्लस नाउन, इसका हिंदी अर्थ होता है का आरोप लगा। इस चार्ज्ड ऑफ के स्थान पर आप एक वर्ड और लिख सकते हैं, वो कौन सा है, अक्यूज्ड। क्या लिख सकते हैं, चाहे तो आप बोलें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अक्यूज्ड ऑफ नाउन या फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब चार्ज्ड ऑफ प्लस नाउन। लेकिन कॉमनली हम न्यूज़पेपर में अक्यूज्ड एंड चार्ज्ड दोनों को ही देखते हैं, तो दोनों का ही यूज़ समझे आप, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर का आरोप लगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ध्यान दें यहाँ पर, कि जब भी अगर वाक्य के अंत में अगर आपको बोलना पड़े कि उस पर कत्ल का आरोप लगा है, देखें आरोप लगा वाक्य आया और यहाँ पर हमने है वर्ड यूज़ कर दिया, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि है वर्ड यूज़ हुआ है तो ये किस में यूज़ हुआ है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज़ एम आर। तब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इज एम आर में से यूज़ करेंगे और डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। तो ही इज़ चार्ज्ड ऑफ मर्डर, उस पर कत्ल का आरोप लगा है। और चाहे तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, कैसे, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उस पर कत्ल का आरोप लगा है। जब भी सेंटेंस में का आरोप लगा की भाषा आए, तब आपको समझ जाना है कि आपको इस फंडामेंटल स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहीं जगहों पर न्यूज़पेपर, जितने भी तरह के इंग्लिश के न्यूज़पेपर आते हैं, अगर वहाँ पर आरोप लगा की भाषा की बात हुई है तो आपको चार्ज्ड ऑफ या अक्यूज्ड ऑफ लिखा हुआ मिल जाएगा और उसके तुरंत बाद हम यूज़ करेंगे नाउन। व्हाट इज़ द मीन ऑफ नाउन, नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड्स, अर्थात इसे हम कह सकते हैं नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन, यानी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब मर्डर, अब आप कहोगे सर मर्डर एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है, इसलिए हमने कैसे यूज़ किया इसका, नाउन के रूप में यूज़ किया। अगर यहाँ पर बात हो कि उस पर कत्ल का आरोप नहीं लगा है, अगर इस तरह से सेंटेंस बनाना पड़े तो क्या करेंगे, सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, ही इज़ नॉट चार्ज्ड ऑफ मर्डर या फिर ही इज़ नॉट अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, यहाँ पर आपको सिंपल सा नॉट यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि यदि हेल्पिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा, का आरोप लगा था। देखिए यहाँ पर सेंटेंस ये पास्ट में दे रखा है कि यू वर चार्ज्ड ऑफ बैटिंग, तुम पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था, तुम पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था, का आरोप लगा था की बात हुई है, पास्ट की बात हुई है, और सट्टेबाजी को बोलते हैं बैटिंग। और याद रखें बैटिंग हमने यहाँ पर आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया है और ये यहाँ पर क्या है, एक जेरेंड नाउन है। जितनी भी वर्ब्स होती है अगर उसका यूज़ यदि हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में, आईएनजी फॉर्म का यूज़ यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद में किया है, तो वहाँ पर वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहलाएगी। लेकिन यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हमने आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, तो वहाँ पर वो क्या बन जाएगा, जेरेंड नाउन। तो ध्यान से समझें, इसके बारे में भी मैंने वर्ब्स के वीडियो लेक्चर में समझा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जाके वर्ब के वीडियो लेक्चर में जाके देखें, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आईएनजी फॉर्म कैसे एक जेरेंड नाउन की तरह वर्क करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस कि यदि हेल्पिंग वर्ब यदि फ्यूचर में हो, जैसे विल बी या सेल बी गिवन हो, तब इसका हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा, का आरोप लगा होगा की भाषा से इसका सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, देखें यहाँ पर, दे विल बी चार्ज्ड ऑफ स्पाइंग या फिर इसको बोल सकते हैं दे विल बी अक्यूज्ड ऑफ स्पाइंग। एग्जाम्पल देखें, उन पर जासूसी का आरोप लगा होगा, उन पर जासूसी का आरोप लगा होगा, दे विल बी चार्ज्ड ऑफ स्पाइंग। तो इस तरीके से याद रखें आप, वो एक और सेंटेंस है, आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगा है, आसाराम इज चार्ज्ड ऑफ रेप। तो आपने यहाँ पर देखा कि सेंटेंस को हमने केवल एक ही स्ट्रक्चर से फ्रेम किया है और उसे भी हमने पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तीनों टेंसेस के अंदर अब हमने फ्रेम करना सीखा है। तो ट्राई करें कि आप इन चीज़ों को इस फंडामेंटल फॉर्मूले से याद करें, ना कि इन बेसिक फॉर्मूले से। फंडामेंटल यदि रूट फॉर्मूला अगर आपको पता लग गया, तब आप इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही टेंस में बोल सकते हैं। दोबारा समझे ध्यान से, रिपीट,
जब भी आपको सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन हो, हेल्पिंग वर्ब गिवन हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद चार्ज्ड या फिर अक्यूज्ड ऑफ, उसके तुरंत बाद एक नाउन गिवन हो, तब इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अर्थ होता है का आरोप लगा। क्या निकलता है? का आरोप लगा। यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इजमार हो तब यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकलेगा का आरोप लगा है की भाषा, और यदि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज वर हो तब इस फॉर्मूले का अर्थ निकलेगा का आरोप लगा था, और यदि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी गिवन हो तब यहाँ पर हिंदी अर्थ निकलेगा का आरोप लगा होगा। एग्जांपल देखें, उस पर कत्ल का आरोप लगा है, ही इज चार्ज्ड ऑफ मर्डर। आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगा है, आसाराम इज चार्ज्ड ऑफ रेप। तुम पर सट्टेबाजी का आरोप लगा था, यू वर चार्ज्ड ऑफ बैटिंग। उन पर जासूसी का आरोप लगा होगा, दे विल बी चार्ज्ड ऑफ स्पाइंग। और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तुम पर चोरी का आरोप लगा है, यू आर चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट। जो फॉर्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस चार्ज्ड ऑफ प्लस नाउन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के बिहाफ पर। यदि आपको कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आपको ज़रूरत है एक फॉर्मेशन को बेटर तरीके से पढ़ने की। आप फॉर्मेशन को पढ़ें, साथ साथ में न्यूज़पेपर को भी पढ़ते जाएं, जिससे क्या होगा कि आपको वहाँ पर वो स्ट्रक्चर मिलेगा और आपका माइंड में रहेगा कि नहीं, ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा और इसका हिंदी अर्थ ये होता है। तो गाइस, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह के आपके स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका जो स्पोकन है वो बेटर होता चला जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।